क्लास थ्री, ये आपका मैथ का लेक्चर नंबर 4 है। बुक का पेज नंबर 42 खोलेंगे। एक्सरसाइज नंबर 2.1, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। नीचे नंबर्स दिए हुए हैं, इनको वो कह रहे हैं ऐड करें। आप इनको ऐड करेंगे, प्लस करेंगे। पहले नंबर पे 47 और 32, तो 2 की 2 लाइंस लगाएंगे और 3 की 3 लाइंस। 7 हमारे पास पहले से मौजूद है, 7, 8, 9, यहाँ पे 9 आएगा। इसी तरह ये 4 है तो 5, 6, 7, यहाँ पे 7 आ जाएगा। इस तरह आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर, और ये आपने पिछली क्लासेस में किए हुए भी हैं। तो ये वाले जो ऊपर तीनों क्वेश्चन हैं ये बगैर कैरी के हैं। तो इसके बाद नीचे नंबर 2 पे जो आ रहे हैं, ऐड द फॉलोइंग नंबर्स, इसमें ये कैरी वाले क्वेश्चन हैं। 86 प्लस 56, तो ऊपर 86 लिखा हुआ है, नीचे 56। 6 हमारे पास ये ऊपर पहले से मौजूद है, नीचे वाले 6 की हम लाइंस लगाएंगे। इधर है 5, इसको आप फिंगर्स पे भी काउंट करके कर सकते हैं। तो ऊपर 6 है, 6 हमारे पास पहले से था, आगे से हम काउंट करना स्टार्ट करेंगे। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 का 2 हम इधर लिखेंगे और 1 को कैरी ले जाएंगे, 1 यहाँ पे कैरी चला जाएगा। 8 और 1, 9, 10, 11, 12, 13, 14, यहाँ पे आएगा 14। इसी तरह ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके कैरी वाले हैं। जब कैरी आएगा तो कैरी आपने ऊपर सर्कल में लिखना है, और फिर जब ऐड करने लगेंगे तो कैरी को मस्ट ऐड करना है, उसको छोड़ नहीं देना है, वरना आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो ये इस तरह आपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट नीचे आ जाएंगे। ये जो आपको नंबर्स दिए हुए हैं, इसमें ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है 1000, 100, 10, 1s। तो ये वाले जो क्वेश्चन हैं इनमें भी, इन 2 क्वेश्चन में क्वेश्चन कोई कैरी वाला नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में से भी कैरी वाला क्वेश्चन कोई नहीं है। आपने सिंपल बस इनकी लाइंस लगानी है और इनको लिख लेना है। जैसे 3 है तो 3 में 3 प्लस करेंगे, फिंगर्स पे भी काउंट कर सकते हैं, यहाँ पे आएगा 6। 5 में 2 प्लस करेंगे तो आएगा 7। 4 में 2 प्लस करेंगे 6, और 4 में 3 प्लस करेंगे तो 7। इस तरह आपने ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और इनको साफ साफ करके लिखना भी है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं। ये आपने क्लास 2 में इस तरह के क्वेश्चन किए हुए भी थे, इनकी आपने प्रैक्टिस भी करनी है।